ये देखे जी फ्लरीज हो रही है और हम जा रहे हैं ये देखे रमदान ग्रीन ओके मस्जिद जा रहे हैं तरावियाँ पढ़ने और बहुत लंबी लाइन है और ये देखे स्नो पड़ रही है खिड़की से अंदर आ रही है मैं शाबंदी कर लूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है आपने हमें एक और रमज़ान दिखाया और अल्लाह ताला हम सब इससे फ़ायदा उठाएं। देखे जी कितनी ख्वाबो ख्याली सी क्या कौन सी होती है हाँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी जी सहरी का टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2024 की पहली सहरी सबको मुबारक और रमज़ान मुबारक सबको। अब मैं सहरी बना रही हूँ पराठे मैंने बना लिए हैं और अब बनेंगे जी अंडे चाय भी बन रही है अल्लाह पाक सबको इस रमज़ान से फ़ायदा उठाने की तकलीफ दे हम सब की अल्लाह ताला दुआएं कबूल करे जो बीमार हैं उनको शफा दे और सबसे ज़्यादा जो गजा के मुसलमान हैं अल्लाह पाक उनके ऊपर अपना रहम कर दे। ये बन रही है जी एग वाइट ये बन रही है जी हमारी चाय घंटे तो बन गया ये बन गया शायान का इसके मैंने नवाले तोड़े हुए उसके ऊपर मैं रख दूंगी एक एक मेरा तोड़ के थोड़ा थोड़ा वो बनेगा जी मेरे लिए चलें जी अब शायान को उठाते हैं जानू उजा मेरा पापा रोजा रख ले जान उजो जल्दी से उठ जाओ मेरा बेटा शहरी तैयार है जल्दी से उठ जाए जल्दी से उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ जल्दी उठो 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 चलें जी शहरी बन गई अब हम शहरी कर लें और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने नसीब किया दोबारा रमज़ान देखना हमें मैं बेटा भी उठ गया सहरी करने के लिए चानू शुरू करो मेरा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चले जी अब होने लगा अफ्तारी का इंतज़ाम दो मैंने आलू लिए हैं ये बंद गोभी है जो थोड़ी सी डालूंगी और एक प्याज लिया है पकोड़े कटने लगे हैं मैं इनका काट के इनको पानी में भिगो के रख देती हूँ और फिर शाम को इसको मिक्स करूँगी इंशाल्लाह ताला खाना मैंने बना लिया है कीमा आलू और हरी चटनी बना ली आटा गून लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए साथ साथ मैं दोनों कुरान सुन रही हूँ अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का एहसान है इतनी नेमतें दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अमन सलामती से हम अपने घर बैठ के खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं या अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना ख़ास रहम फरमा दे या अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा दे बहुत तकलीफ़ में और उनको देख उनकी ये तकलीफ़ देखी नहीं जाती हम इमेजन नहीं कर सकते वो कितनी तकलीफ़ में है और हम यहाँ अपने घरों में सुकून से बैठे अल्लाह ने हमें एक और रमज़ान दिखा दिया अल्लाह पाक का एहसान है रोल समोसे फ्राई कर लूँगी एक रोल एक या दो रोल साथ में समोसे वो तो मेरे हस्बैंड ही खाएंगे मैं तो खा नहीं सकती और शायान खाता नहीं है तो पकौड़े इसलिए बन रहे हैं ताकि शायान भी खा ले और मैं भी खा लूँ अरे ये बंद को भी पता नहीं इतनी सख्त क्यों है
अल्लाह अकबर, ऐसा लग रहा है लोहे की बनी हुई है बंद गोभी, तो काट ही नहीं जाएगी। पता नहीं इतनी सख्त क्यों है अल्लाह जाने, बंदा तो इतनी नरम सी सॉफ्ट सी मिलती है कि फौरन ही कट सकती है। ये शायद मैंने देसी स्टोर से ली है, कुछ ये दाल ज़्यादा ही देसी है ये। अल्लाह ये देखें जी पकौड़े कट गए मेरे, प्याज आलू और बंद गोभी। अब इसको शाम को इसमें बेसन डाल के इसको मिक्स करूँगी। ये देखें जी मज़ेदार किस्म का कीमा आलू रेडी है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। सुर की आवाज़ आ रही है, कह रहा है मैं रेडी हूँ। चले जी अब पकौड़े मिक्स करने का वक्त आ चुका है। मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया डाला, मेरे पास इतना था मैंने इतना डाल दिया। अब मैं इसको बेसन डालूंगी इसमें। शयान आ गया स्कूल से, वो कारी सबसे पढ़ रहा है ज़्यादा ही काट लिए पकौड़े, लेकिन कल भी चलो बन जाएंगे। अब इसमें डालते हैं जी नमक और मिर्च, तो पूरा खानदान पड़ा हुआ है नमक मिर्च तो अंदाजा ही चलेगा। मैंने हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है, आप लोग अपनी क्वांटिटी से डालें, जितनी आपकी पकौड़ों की क्वांटिटी है उस हिसाब से। हम लोग तरह करारा करते हैं, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है जी, 1 कुटी लाल मिर्च, इसको भी थोड़ा कुट कुट के डाल देंगे हम। ये कैसे पीछे रह जाए, ओके। और इसको हम करेंगे मिक्स, खैर पहले बेसन मिक्स कर दें। ओ एक मेन चीज़ तो डाली नहीं, अजवाइन। हाँ जी ये थी अजवाइन, 1 टीस्पून अजवाइन चली गई। अब हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा मैं इसको ज़रा गाढ़ा रखूँगी, अभी 1 आवर है, 1.5 आवर पूरा खुलने में। पकौड़े तो मैंने ऐसे बना लिए जैसे मैंने किसी अफ्तारी पे बुलाया हुआ इतने ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ना अफ्तारी के साथ ना अफ्तारी के बाद खाना भी खाते हैं। कई लोग अफ्तारी खा लेते हैं तो खाना नहीं खाते, और कई लोग होते हैं जो अफ्तारी नहीं खाते और डायरेक्ट खाना खाते हैं, लेकिन हम अफ्तारी भी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम खाना भी खाते हैं जी, हमारा दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। तो दोनों चीज़ें होनी हमारे घर में लाजमी है। हमारे अम्मी अबू के घर में भी ऐसे ही होता था, और यहाँ भी यही रूल है जी। अच्छा अब इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, थोड़ी देर बाद बेसन पानी छोड़ता है, फिर इसको दोबारा मिक्स करूँगी, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट चाट कट गई, इस पर नमक थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा ही, ओके। और अब डालेंगे चाट मसाला, हमारी थोड़ी सी चाट बनती है क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने खानी है, शायान तो खाएगा नहीं, ये ब्राउन शुगर डाल देंगे थोड़ी सी, ठीक है जी। अब इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें से भी बच जाएगी चाट क्योंकि ज़्यादा करारी चीज़ों पे ध्यान होता है हमारा। ये होगी जी चाट रेडी। अब आई है जी बारी, अब रोल समोसे बाहर निकाल के रखो ताकि वो डिफ्रोस्ट हो जाए अफ्तारी तक। देखें जी पकौड़े इस तरह से हो गए, थोड़ा सा पानी मैंने ऑयल मिला के इसको मिक्स किया है, और अब जी ऑयल में डालने की बारी आ गई। मैंने चेक किया ऑयल गर्म हुआ कि नहीं, ऑयल फिलहाल भी गर्म हो गए हैं। इसमें वही ऑयल और समोसा फ्राई कर रही हूँ, मैं बच्चे भी रहूँगी, मुसलमान है, देसी मुसलमान तो नहीं है लेकिन दूसरे मुसलमान है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है लेबर्स की भी ख्याल, लेबर्स का भी ख्याल करना। तो मैंने कहा थोड़ा उनको भी चखा दूँ, पता नहीं वो खाएंगे कि नहीं, लेकिन मैंने कहा देखते हैं। पकौड़े भी दूँगी थोड़े से क्योंकि वो लोग हमसे डिफरेंट खाना खाते हैं। अभी पकौड़ों की निकालने की बारी आ गई है, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिस्पी क्रंची
करारे बंद गोभी के पकोड़े खाए और मजे आए, खुद भी खाएं दूसरों को भी खिलाएं सवाब कमाएं। ये देखें इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत क्रिस्पी है। ये देखिए आप उनकी आवाज़ देखें, ऐसे साउंड उनकी क्रंची सी। और मैं इसको दूसरा को डाल के तो फटाफट उनको ऊपर पकड़ा के आऊँगी, वो हमसे ऊपर रहते हैं। ये देखें जी कैसे ज़बरदस्त प्लेट बन रही है पूरी अफ्तारी की। ये मैं देख कर आती हूँ, सब आपको मैं आती हूँ थोड़ा सा दुआ मांग के जा रही हूँ। छुपके बना रही है, बनाने नहीं देता। चले जी अफ्तारी का टाइम होने लगा है, 10 मिनट रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी हमारी छोटी सी अफ्तारी, छोटी सी फैमिली के लिए छोटी सी अफ्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी। ये देखें जी क्रिस्पी किस्म के, ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, उसकी आवाज़ चेक करें। और ये है जी हमारी अफ्तारी और ये शाम की प्लेट है जी, इसकी अफ्तारी अलग से ही है बेचारे की, वो फ्रूट चाट वगैरह नहीं खाता। चले अब दुआ मांगते हैं मच्छी सी, और आप भी हमें दुआओं में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें दूसरों का भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जजाकल्लाह खैर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।